रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो है आलू बैंगन टमाटर कीमे की बड़ियों के साथ। कीमे की बड़ियाँ जो कि मैंने आपको बनाना सिखाई थी, आपको बताई थी, बस वही बड़ियाँ मैं आज इस्तेमाल करते हुए उसके साथ आलू बैंगन टमाटर बनाऊँगी। जिसके लिए सबसे पहले मैंने पतीली में ये एक छोटा कप ऑयल लिया है और इसमें मैं ये दो अदद बड़े साइज़ के प्याज डाल दूंगी जो कि मैंने स्लाइस में कट कर लिए हैं, और ये मैं इसमें डाल दूंगी। प्याज के साथ ही मैं ये डाल दूंगी आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। प्याज के कुछ नरम होते ही मैं इसमें ये एक बाउल मैंने ये बड़ियों का लिया है जो कि मैंने बनाई थी, ये मैं इसी में डाल दूंगी, ऐड कर दूंगी और बस इसके थोड़ा सा मैं चला लूँ। इन बड़ियों को थोड़ा सा हिलाने के बाद अब मैं इसमें ये एक कप पानी डाल दूंगी क्योंकि बड़ियों को हमें पकाना भी है। ये मैंने एक कप इसमें पानी डाल दिया है। इन बड़ियों में मैं अब सबसे पहले खुश्क मसाले जो डालूँगी उसमें ये एक टेबल स्पून नमक है जो कि मैं इसी में डाल दूंगी। कुटी हुई लाल मिर्च जो कि आधा टीस्पून है, ये भी डाल दूंगी। लाल मिर्च पिसी हुई एक टेबलस्पून, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टेबलस्पून धनिया पाउडर, ये सारे अज्जा मैं इसमें डालकर और इसे हिला लूंगी और इनको उबाल आने का इंतज़ार करूंगी। उबाल आ जाता है तो उसके बाद मैं इसकी आंच को धीमा करके तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इन बड़ियों को इसी तरह से धीमी आंच में पकाऊंगी ताकि अच्छे से नरम हो जाएं। अगर आपने मेरी बड़ियों की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगी, आप बड़ियों की रेसिपी ज़रूर देखिएगा। ये मैंने कीमे वाली बड़ियां जो बनाई थी, बस अब मैं इसका ढक्कन बंद करके और इंशाल्लाह इसके पक जाने का इंतज़ार करूँगी 15 से 20 मिनट। चेक कर लेते हैं नाज़रीन, तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट तक इनको पकाया है और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। बढ़िया, हमारी बिल्कुल नरम हो चुकी हैं ये। और अब मैं इसमें डाल दूंगी सबसे पहले ये आलू जो कि मैंने 4 से 5 अदद लिए हैं और इनको इस तरह से मैंने छोटा कट किया है, बड़े बड़े कट नहीं किए हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी। आलू डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है, और ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ये 2 अदद हरी मिर्चें जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और थोड़ा सा मैं इनको हिला लूंगी। और ये देखें आप कि इसमें थोड़ा सा जो पानी है बस उसी से ये भाप बनकर और हमारे आलू और टमाटर अच्छी तरह से पक जाएंगे। इंशाल्लाह ये पक जाते हैं, मैं इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच करके रख दूंगी और इनके पकने का इंतज़ार करूंगी आलू का, क्योंकि हमारी बड़ियां तो पक चुकी हैं। अब ये पक जाता है तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा दिखाती हूं। चलिए नाज़रीन, चेक कर लेते हैं कि हमारे आलू पक चुके हैं। जी ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं आलू हमारे। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ये बैंगन जो कि मैंने 3 अदद लिए हैं और इनको पानी में मैंने भिगोकर कट करके रख दिया है, और ये बैंगन मैं इसमें डाल दूंगी। बैंगन पकने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए हमें आलू के पकने का इंतज़ार था। और अब ये बैंगन डाल दूं, उसके बाद इंशाल्लाह इसे दोबारा से कवर करके और मैं कुछ देर के लिए पकाऊंगी। ये देखें आप, ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह हमारे बैंगन भी तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह हमारे आलू बैंगन टमाटर जो कि हमने तीमे की बड़ियों के साथ बनाए हैं तैयार है। और अब ये मैं आधा टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूंगी सिर्फ जायके के लिए। ये देखिए नाज़रीन, तैयार है हमारा
हमारी सब्ज़ी कीमे की बड़ियों वाली, और ये मैं इस पर हरा धनिया डाल दूँ और इंशाल्लाह अब आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। ये देखें नाज़िम, माशाल्लाह हमारी कीमे की बड़ियाँ आलू बैंगन टमाटर के साथ बिल्कुल तैयार हैं और माशाल्लाह ये बहुत टेस्टी बनती हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह अगली और नई रेसिपी में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।